सावन मास में भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु तमाम प्रकार के जतन करते हैं। उसमें से कुछ लोग व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन इस व्रत की पूर्ण आहुति कैसे करें, आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। नागेंद्र हाराय, तिलोचनाय, भस्मागराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै चकाराय, ओम नमः शिवाय नमः। जैसा कि सावन मास का महत्व विशेष रूप से सनातन धर्म में 12 मास के रूप में प्रमुख बताया गया है शास्त्रों में। सावन अर्थात जब भी कर्क राशि में सूर्य आते हैं, जब सावन शास्त्रों के अंतर्गत में माना गया है। सावन महीने का महत्व शिव की पूजा से महत्व बताया गया है। भगवान शिव जो 33 कोटि देवताओं के अधिपति है, और क्योंकि जल के अधिपति के रूप में भी शिव का महत्व बताया गया है। ऐसे में वर्षा योग इस समय ही चलते हैं, और भगवान शिव की पूजा जो सोमवार के जो रूप में उपास के रूप में श्रद्धालु रखते हैं मनोकामना पूर्ण निमित्त हेतु। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो 16 सोमवार या जो भी पूजा सोमवार की करते हैं उसमें उद्यापन नहीं करते हैं। ऐसे में हम जो भी उपास व्रत करते हैं उसमें आखिरी दिन उसका उद्यापन किया जाता है। 5 सोमवार के रूप में सर्वार्थ सिद्धि योग में, सुगन योग और रवि योग में इस बार जो आखिरी सोमवार बन रहा है, एक विशेष योग बन रहा है जो हर व्यक्ति को एक अभिषेक के अनुसार उसमें पूजा करना चाहिए। इसमें पूजा विधि के रूप में अभिषेक होता है, 16 उच्चार पूजा विधि से संपन्न होती है। पूजा भगवान को आह्वान करके स्नान दिया जाता है, तदउपरांत पाद्य जल से उनको जल चढ़ाया जाता है, अभिषेक किए जाते हैं, रुद्राभिषेक विद्वानों द्वारा होता है। तदउपरांत उनको नैवेद्य भोग आरती की जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है। प्रदक्षिणा का महत्व शास्त्रों में विशेष बताया गया है, जो मनुष्य की जो पूजा के उपरांत उसका फल प्राप्त होता है। जय श्री माता।